बॉलीवुड को एवेंस दे स्पेशल 26 और एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्में देने वाले डायरेक्टर नीरज पांडे नेटफ्लिक्स की दुनिया में डेब्यू करने जा रहे हैं। नीरज पांडे एक नई वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर नाम से वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। यह क्राइम आधारित शो बिहार के सबसे खतरनाक अपराधी के पकड़े जाने की सच्ची कहानी पर आधारित है। यह शो जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आएगा। नीरज इस सीरीज में बिहार के कुख्यात अपराधियों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। इस शो को झारखंड और बिहार में कई कोविड लहरों के बीच बेहद कठिन परिस्थितियों में शूट किया गया है। किस तरीके की कहानी सर आपने? नहीं यार बताया। आई मीन द कोर ऑफ द स्टोरी इज चोर पुलिस की चोर है मैं पुलिस दैट्स व्हाट इट इज इट्स अ कहानी है अमित डोडा की ही इज अ फिश आउट ऑफ वाटर बड़े शहर से रूरल एरिया में पोस्टिंग होती है वहाँ पर जो उनके बैटल्स हैं कहीं ना कहीं है उस चीज़ की कहानी और हम हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है एंड आई थिंक दैट्स द कोर क्रक्स ऑफ इट। नीरज जी आपसे जानना चाहते हैं जिस तरीके से हमने देखा है बिहार के हर एक लोकेशंस को आपने अच्छी तरीके से यूज़ किया चाहे वो ईट भट्टी हो चाहे वो और भी लोकेशंस हो प्लीज़ बताइए किस तरीके से सभी जिसका पूरा का पूरा श्रेय भव धुलिया को जाता है जो हमारे निर्देशक हैं। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वो उन्होंने रेकी किया था और उनको जो जो जगह पसंद आई उन्होंने उसकी पिक्चर्स जो है वो सारे प्रोडक्शन टीम के साथ डिस्कस किया कि ये है उनका शॉर्ट लिस्ट और हमारा काम था उनको सपोर्ट करना। तो इसका पूरा क्रेडिट जो लुक का है वो मुझे डायरेक्टर को देना होगा। सर आपकी बात की जाए तो मतलब हमने देखा है आपको कि मतलब कि आप बहुत ही एस्टैब्लिश एक्टर्स के साथ आपने काम कर चुके हैं पहले भी अक्षय कुमार जी हो अनुपम खेर जी हो नसरुद्दीन शाह जी हो तो मतलब कि ये आइडिया आपको कहाँ से सूझी कि मतलब कि न्यू कमर्स के साथ या मतलब टेलीविजन एक्टर्स के साथ आपको काम करना है? नहीं आपने कहा ना अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं हम लोग तो वही है जो चाहे वो नसीर भाई हों चाहे अनुपम जी हो जिनसे जिनके साथ मेरी पहली फिल्म थी चाहे ये प्रोजेक्ट है हम अच्छे एक्टर्स के साथ ही काम कर रहे हैं अभी भी तो वो चीज़ नहीं बदली है। आप स्टार वगैरह नहीं देखते हैं आप कंटेंट आप टैलेंट देखते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी में जो है बेहतर से बेहतर टैलेंट काम करें। इन दिस केस ऑल्सो वेदर इट वॉज अविनाश करण फुल एनसेंबल दैट वी हैव इट्स अ फैंटास्टिक कास्ट मतलब कहीं किसी से कोई कम नहीं है। सर हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए सब वही करेंगे तो हम लोग क्या करें। लैंग्वेज तो खैर भोजपुरी में बोल रहे भोजपुरी में बोल रहे थोड़ा अच्छा लगे जितना भोजपुरी जितना भोजपुरी हम लोग आवेला उतना कोशिश तो लैंग्वेज में खासकर बहुत बहुत ज़्यादा उसमें मुझे काम नहीं करना पड़ा। मैं बिहार की पैदाइश हूँ तो थोड़ी बहुत समझ है मुझे भाषा इतनी फ्लुएंट नहीं है मेरी लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। किरदार के बारे में खासियत ये जैसे आपने पहले भी शुरू में पूछा कि शो की खासियत क्या है मुझे ये लगता है कि दोनों जो किरदार हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के जो जो समाज है उससे बाहर हैं ये बाहर से आए हुए हैं उस समाज में और ये समाज से निकाले हुए हैं एक तरीके से और इन दोनों की कहानी है जो जो आपको देखने मिलेगी। मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ और जिस तरह की मेरी परवरिश हुई है उसके हिसाब से किरदार काफ़ी अलग था मेरे और किसी भी एक्टर के लिए कुछ भी चैलेंजिंग हो तो उसे अच्छा लगता है मुझे काफ़ी मज़ा आया करने में और मुझे सारा सहयोग अपने डायरेक्टर्स और मेरे अच्छे से मिलता है। मैं ये जानना चाहूँगा जब से OTT प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है प्रोड्यूसर कितना हेल्पफुल हुआ है और भी प्रोड्यूसर्स को आपको या एक चैलेंज हुआ है अगर चाहे बड़े पर्दे पर फिल्म रिलीज होती थी वो शायद कहीं ना कहीं इफेक्ट कर दिए जब से OTT का चलन हुआ है तो नहीं ऐसा नहीं है दोनों मीडियम्स जो हैं वो कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। अब ये जैसे खाकी जो है ये 6.5-7 घंटे की कहानी है आप इसको थिएटर में आप प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे इसको हर मीडियम हर फॉर्मेट का अपना एक रिक्वायरमेंट होगा अपना एक चैलेंज है
थ्रेट नहीं है, कोई चीज़ अपने आप में अगर एग्जिस्ट करती है तो, और दोनों ही अपने लिए अपनी अपनी कहानियों का रिक्वायरमेंट लेकर आए। ओ टी पी की भी लिबर्टी भी मिलता है, सेंसरशिप नहीं है, तो वो कितनी अच्छी बात है एज अ क्रिएटिव पर्सन। जब तक फ़ायदा नहीं उठाओ तब तक ठीक। और हमारा जो कहानी कहने का जो जो एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप नई कहानियों अपने दर्शकों तक ले आएँ, द बिगेस्ट ब्लेसिंग इज़ कि आपके पास ये फॉर्मेट है जिसमें आप 6-7 घंटे की कहानी कह सकते हैं। लुक एट इट एज अ पॉजिटिव। करण, आपको अपने कैरेक्टर के लिए कितना रिसर्च करना पड़ा और कितना मतलब बिहारी के डायलेक्ट में आपको कितना पड़ा? हाँ डेफिनेटली मैंने अपने डायलेक्ट पर थोड़ा काम किया, बिकॉज शो में एक पॉइंट पर आके वाइल मेरा कैरेक्टर बिहार से नहीं है पर उसे बिहारी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना पड़ता है फॉर अ सर्टन सीक्वेंस, सो यू नो वी डिड हैव अ डायलेक्ट कोच एंड फॉर मी दैट वाज अ लॉट ऑफ फन डूइंग इन जनरल बिकॉज इट्स जस्ट नाइस टू काइंड ऑफ लर्न अ डिफरेंट डायलेक्ट यू लाइक टू इन जनरल बिकॉज इट्स जस्ट नाइस टू काइंड ऑफ लर्न अ डिफरेंट डायलेक्ट यू लाइक टू यू नो डेल्व करने में मजा आता है। अब मोर देन दैट इन जनरल बिहार का जो टेक्सचर है उसको अडेप्ट करने में मेरी आई थिंक थोड़ी बहुत कथार्टिक जर्नी रही है जिस तरीके से अमित की रही है, बिकॉज मैं भी सिटी ब्रेड किड हूँ, मुंबई से हूँ, तो पहली बार हम जहाँ शूट कर रहे थे झारखंड में और रामतनगंज और जो काफ़ी अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे जिस तरीके से रहना, होटल्स का ना होना, यू नो जो जनरल दिक्कतें आती हैं, इट वॉज प्रीटी मच वेरी सिमिलर टू अमित कैरेक्टर, सो आई ऑल्सो लेट द सेम जर्नी दैट प्रीटी मच अमित डिड और कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि वो कैरेक्टर भी मेरे समझ में थोड़ा हेल्प कर रहा था। ऑल एंड ऑल देर इज सो मच दैट गोज इन टू अ कैरेक्टर, बड़ा डिफिकल्ट है डिफाइन करना एक सेंटेंस में कि क्या क्या प्रेपरेशन थी, बिकॉज आई फील कभी कभी पूरा शो खत्म हो जाता है उसके बाद कैरेक्टर पकड़ में आता है तो आई फील धीरे धीरे यू नो चीज़ें आती हैं, बट डेफिनेटली व्हेन यू वेयर अ पुलिस यूनिफॉर्म उसका एक अपना ही चार्म है, जिस तरीके से हम फिल्मों में दिखाते हैं कि वो एक एक बटन लगाते हैं जो पैच आता है, रियल लाइफ में भी थोड़ी ऐसी ही फीलिंग आती है, हर चीज़ स्लो मोशन में चलती है, व्हेन यू फाइनली बकल अप दैट बेल्ट इट गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग। सो हाँ ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कैरेक्टर को बनाने में मदद करती है। वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जो जो कमेंट्स है आप, व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इज रिस्पेक्ट द ऑडियंस, इट्स एज सिंपल एज दैट, विद एनी पीस दैट वी कम आउट वी ऑलवेज बेयर इन माइंड कि ये दर्शकों के लिए और उनके कंजम्पशन के लिए, हमारे इंटेलिजेंस के लिए नहीं है, तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन आर अप्रोच एज फार एज चूजिंग द स्टोरीज आर कंसर्न। मेमोरेबल सीक्वेंसेज आई फाइंड द होल सीरीज इज अ मेमोरेबल वन, अब आपको कुछ पसंद आएगा, इनको कुछ पसंद आएगा, वी होप दैट एवरीबडी लाइक्स द सीरीज एज अ होल। मेरा भी सोशल मीडिया की बात की जाए तो हमने ये भी देखा है कि मतलब कई सारे फिल्म जो है जो मतलब रिलीज होने से पहले वो इतना बहुत मच जाता है उनके कैरेक्टर्स को लेके या उनके जो है कुछ ना कुछ पार्ट को लेके फिल्म के मतलब कि बैन करने की बात हो जाती है, तो आपको क्या लगता है बिहार के ऊपर स्पेशली बिहारी के ऊपर बहुत हाई पाया जाता है, आपको क्या लग रहा है कितना ज़्यादा? आपके फ्रेम में भी दो बिहारी हैं ओके आप कोई इसमें संकोच रहे हैं, अभी संकोच रहे हैं, निश्चिंत रहे हैं, ये जो है शो ये एंजॉय एंटरटेनमेंट करें इसको लेकर, ये एक किताब पर बेस्ड है और स्पिरिट में इट कैप्चर्स द डीएनए ऑफ द बुक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।